भारत अगले महीने से शुरू होने वाले एशियन गेम्स में 550 खिलाड़ियों से भी ज़्यादा का दल भेजने वाला है। वैसे तो इसमें हर खिलाड़ी अपने आप में खास है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दल में एक 79 साल की खिलाड़ी भी है जो कि एशियन गेम्स में भारत की मेडल की दावेदारी पेश करेंगी, और वो भी ताश के पत्तों के खेल ब्रिज में। ताश के पत्तों के साथ अपना हुनर दिखाती ये है एशियन गेम्स में शामिल होने जा रही भारतीय दल की सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। इनकी उम्र 89 साल है, लेकिन जोश और जुनून किसी भी युवा से कम नहीं है। मोस्टली वहाँ पे जो लोग हैं वो तो 40s के ऊपर है, कई तो 70s में भी है, अर्ली 70s। तो मुझे इतना नहीं लग रहा कि मैं इतनी ओल्ड हो गई हूँ कि मैं इसको गेम को ऐसे सोचूंगी। दिमाग ठीक होना चाहिए, दिमाग ठीक नहीं रहेगा तो फिर खेलना बंद कर देना चाहिए। अगर जिंदगी जीने का हौसला हो तो उम्र की बेड़ियां भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। इस कहावत को सच कर दिखाया है दिल्ली की रहने वाली रीता चौकसी ने। 89 साल की उम्र में रीता एशियन गेम्स एथलीट बनने जा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि इस उम्र में अगर मैं अच्छा कर सकी तो भगवान की दया से। हाँ, वहाँ पे जाके मुझे तरह तरह के लोग मिलेंगे, और वहाँ पे काफ़ी मैं मिक्स्ड पेयर्स खेल रही हूँ। मैं तो टीम्स भी खेली हूँ बहुत बार, तो फर्स्ट टाइम पार्टनर से खेल रही हूँ, तो अभी देखो वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। ताश के पत्तों के खेल ब्रिज में रीता चौकसी भारत का एशियन गेम्स में प्रतिनिधित्व करेंगी। ताश के पत्तों का गेम्स ब्रिज पहली बार एशियन गेम्स का हिस्सा बनने जा रहा है, और पहली बार है कि इस खेल के खिलाड़ी भी एशियन गेम्स में खेलते दिखेंगे। भारत की तरफ से 24 लोगों का दल ब्रिज खेलने जकार्ता जाएंगे, जिसमें से 4 की उम्र 70 साल से ज्यादा है। रीता भी उन्हीं में से एक है, और सबसे उम्रदराज है जो कि 79 साल की उम्र में एशियन गेम्स एथलीट बनने जा रही। 2018 एशियन गेम्स में 39 खेलों को जगह मिली, इस बार ब्रिज खेल को एशियन गेम्स में जगह दी गई। साथ ही इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट, जुजुत्सु, पैराग्लाइडिंग, जेट स्की और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग भी शामिल है। पिछले 2 एशियन गेम्स में शामिल रहे क्रिकेट को इस बार बाहर किया गया। 1970 से ब्रिज खेल रही रीता ने देश विदेश जाकर कई टूर्नामेंट खेले और कई उपलब्धियां अपने नाम की, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ये खेल उन्हें एशियन गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट तक ले जाएगा, वो भी उस उम्र में जब लोग रिटायरमेंट की सुकून भरी जिंदगी बिता रहे होते हैं। रीता का हुनर अब उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाने जा रहा है। पहली बार एशियन गेम्स में ब्रिज खेल शामिल हुआ तो रीता के लिए सफलता का नया रास्ता खुल गया। एशियन गेम्स का तो अभी हुआ है सोचने का, पर उसके पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खेल चुकी हूँ, और सारी दुनिया में तरह तरह के लोगों पे खेल चुकी हूँ। चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूरोप, तरह तरह के क्लब में देखा था लोगों को ब्रिज खेलते हुए। तो उसके बाद मैं इतना इंटरेस्ट हो गई कि किसी ने कहा कि आप मेरे साथ टूर्नामेंट खेलेंगे, तो मैंने कहा मैंने कभी टूर्नामेंट खेला तो है नहीं, तो आप खेलो, हम खेले तो हम जीत गए। पति के गुजर जाने के बाद और बच्चों के विदेश में रहने की वजह से दिल्ली में अकेली रहने वाली रीता ब्रिज खेल को ही अब अपना शौक और अपना सब कुछ बना चुकी है। साथ ही फिटनेस के लिए वो योग करती है, जिससे कि इस उम्र में भी वो पूरी तरह फिट है। हस्बैंड तो है नहीं, हस्बैंड तो गुजर गया, कितने साल हो गए, 1990, और जो बच्चे हैं वो दोनों वो अब्रॉड ही स्कूल और कॉलेज में लंदन में ही थे, तो
बड़ा बेटा ऑक्सफर्ड में से गया और वो लंदन में ही रहता है, दे बिकम वहाँ के लंदन सिटीजन्स, और जो छोटा वाला था वो भी लंदन में ही उसने स्कूल और कॉलेज ख़त्म किया, वो भी लंदन सिटीजन है, और उसने शादी भी की प्राग की लड़की से। एशियन गेम्स 18 अगस्त से शुरू होंगे और रीता भारत के इस दल की सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगी। एशियन गेम्स 2018 को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और दक्षिण सुमात्रा की राजधानी पलेमबांग दोनों मिलकर होस्ट करेंगे। आशा है कि भारत के धुरंधर एशियन गेम्स में देश को ज्यादा से ज्यादा मेडल्स जिताने में कामयाब हो। किरण चोपड़ा, गिरधर, जी मीडिया, दिल्ली।